हेलो हाय वेलकम टू सारा क्रिएशन चैनल। सो आज हम लेकर आए हैं कुछ जो फेस के ऊपर पिंपल्स रहते हैं ना, सो वो क्यों आते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है। कुछ लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं कुछ नॉनसेंस। तो ये पिंपल्स आने का वजह क्या है, आपके फेस का स्किन रेड होने का वजह क्या है। तो जो भी वजह है आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। आप उस वजह को जान लेंगे तो आप उसे धीरे धीरे सारे कम कर सकते हो, बहुत आसान है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे फेस पर रेड मार्क्स और पिंपल्स आने का पहली वजह यह है कि आपका फूड, जो आप फूड लेते हैं ना, तो वो फूड में हम बहुत सारे ऑयल फूड लेते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा ऑयल फूड ही खाते हैं, तो लाइक जंक फूड और डीप फ्राई आइटम्स लाइक बोंडा, बज्जी, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, और ज़्यादातर लोग बोंडा, बज्जी वगैरह आंध्रा साइड बहुत सारा खाते हैं। तो इस तरह का फूड ज़्यादा आप लिमिट से खा सकते हो, अनलिमिटेड ज़्यादा लेने की वजह से। और बाहर जो भी बिकता है उसका ऑयल हम बता नहीं सकते किस तरह होगा क्वालिटी, तो उसकी वजह से भी हमारे फेस पर रेड स्पॉट्स और रेड मचे और पिंपल्स करके आ जाते हैं। सो नंबर टू, दूसरा सेकंड वजह यह है कि विटामिन डी। अगर आपके फेस को, आपके बॉडी को, आपके हेयर को, सारा बॉडी को अगर धूप नहीं लगा तो आपको बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगा। और विटामिन डी में बहुत सारा आपको बहुत सारे वैल्यूबल विटामिन्स दिया जाएगा, क्योंकि विटामिन डी लगने से आपके हेयर को, स्किन को बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो आप डेली 1 आवर धूप में खड़ेंगे तो उस तो आपके सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो सेकंड वजह ये है विटामिन डी। तो अब थर्ड रीज़न ये है कि तीनवा वजह ये है कि वाटर एंड हीट। अगर आप पानी कम पीते होंगे, अगर आपके बॉडी में पानी का लेवल थोड़ा कम हो चुका होगा, तो इस तरह आपके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह रेड जैसे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपके बॉडी में पानी का कमी है, तो आप पानी ज़्यादा पीजिए और आपके बॉडी ज़्यादा हीट रहे। अगर आपके बॉडी हीट बॉडी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस, कर्ड, मेन इम्पॉर्टेंट डेली आप कर्ड लीजिए। आप कर्ड खाएंगे तो आपके स्किन को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहेगा और रेड मार्क्स सारे चल जाएंगे। मेरे फेस को भी इसी तरह पिंपल्स रहते थे, तो कर्ड खाने से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और मेनली ऑरेंज बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, हीट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। सो लास्ट वजह यह है कि आपके आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस होगा तो भी आपके फेस पर इसी तरह पिंपल्स और रेड मार्क्स आ जाएंगे। आप ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हो, या घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या कोई स्टडी का, जॉब का, सो प्रॉब्लम्स सब बहुत सारे होते हैं ना, बोल नहीं पाएंगे हम। सो इसी तरह प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आप प्रॉब्लम की वजह से सूझेंगे, स्ट्रेस लेंगे, टेंशन पड़ेंगे, तो उसकी वजह से भी आपका हार्मोन्स नीचे ऊपर होकर आपके फेस पर इसी तरह पिंपल्स और रेड मार्क्स आते रहेंगे। तो ये वजह है लास्ट वजह। तो आपने जान लिया ना कि कौन सी वजह से आपके फेस के ऊपर रेड मार्क्स और पिंपल्स आते हैं। तो चार वजह है, ये चार वजह आप पता कीजिए आपके फेस के ऊपर क्यों पिंपल्स और रेड मार्क्स आ रहे हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए। सो अगर ये चार कोई भी वजह नहीं होगा तो आप डॉक्टर को मिलेंगे, तो डॉक्टर आपको कोई भी विटामिन वगैरह के टैबलेट्स वगैरह देंगे, वो खाएंगे तो भी आपको सेट हो जाएगा। तो यही वजह है आपके फेस पर डार्क मार्क्स और पिंपल्स और ये रेड मार्क्स आने के रीजंस। तो ये सब आप चेक कीजिए आपके फेस पर जो भी वजह से ये रीजंस रहते हैं, आप उसे क्लीन कीजिए और खुशी से रहिए। तो इसी तरह बहुत सारे वीडियोस और टिप्स और रीजंस हम बताते रहेंगे। तो अगर आप कुछ भी हमें पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, हम आपको सारे आइडियाज़ और टिप्स देते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस तरह वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।